हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक्चुअली संडे था और मैं थोड़ा सा लेट में सो के उठा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बाहर रह रहे होते हो तो काफ़ी सारे काम होते हैं जो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, एक तरीके से पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है झाड़ू पोछा, यही सब करना होता है। आप हाँ, आपके पास जॉब होती है तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती किसी पे। हाँ, बट ये है कि आपको अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो आज संडे था तो मैं अपना थोड़ा सा जो फ्लैट में अभी एक्चुअली सामान पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाया, तो वही थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह यहाँ रखे थे, उसको सेटअप किया। फिर जाता हूँ मैं किचन में, यहाँ पे भी थोड़ा अभी सफाई वगैरह बाकी थी और अभी तक मुझे थोड़ा सा भूख भी लग रही थी। फिर मैं कुछ कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए सोचता हूँ इसके बाद। और अभी मैं बना रहा हूँ ओट्स, और जो कि खाने के बाद मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी 2-3 घंटे तक। और इसमें थोड़ा सा पनीर वगैरह रखा था, वो भी ऐड कर दिया था, जो मिल जाता है डाल देता हूँ। हेल्दी होना चाहिए थोड़ा सा। और एक्चुअली ये मेरे ऑफिस में एक्चुअली 7 तारीख को हमारा जो बैंक का स्थापना दिवस था, एस्टेब्लिशमेंट डे था, और अभी मैं तैयार हो रहा हूँ ऑफिस के लिए और निकल जाऊँगा ऑफिस। और ये हमारे रास्ते का व्यू है, मेरे फ्लैट से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा ऑफिस है। मैं पैदल ही जाता हूँ, थोड़ा सा टहलना भी हो जाता है और देखने को भी मिलता है। ये एक्चुअली ब्रांच जहाँ पे मैं डेप्यूटेशन के लिए 4 दिन गया था, वहाँ का ये वीडियो है। जिस दिन मेरी ब्रांच का एस्टेब्लिशमेंट डे था तो उस दिन की वीडियो थी ये। और आप जब आप एक ब्रांच में टेबल के उस साइड बैठे होते हो जहाँ पे आपको बैठने का सपना था काफ़ी दिनों से। हाँ, काम तो काफ़ी करना पड़ता है, बट अगर आप काम को एंजॉय करते हुए काम करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा।